और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में दोनों के नामों पर मोहर लग गई है। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति नहीं ली गई। उन्होंने ये कहा कि उन्हें लगभग 6 मिनट पहले बताया गया, जो नाम दिए थे उन नामों में से उन्हें चुनाव के लिए सिर्फ 6 मिनट दिए गए। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग के दो नए चुनाव आयुक्तों के लिए दो नाम फाइनल हो गए हैं। वो नाम है पंजाब के सुखबीर संधु का, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचएआई के चेयरमैन वो रह चुके हैं। उधर ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर है और गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं। धारा 370 पर फैसले के वक्त गृह मंत्रालय में वो तैनात थे। विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त। विकास, कल क्योंकि 15 तारीख को ये पूरी संभावना है कि तारीखों का चुनाव के लिए ऐलान हो जाएगा, तो ये बहुत जरूरी था कि आज दोनों चुनाव आयुक्तों का नाम फाइनल हो जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक था कि पूरा जो कोरम है वो पूरा हो, क्योंकि दो दो पद रिक्त थे। ऐसी स्थिति में चुनाव का ऐलान नहीं हो सकता था। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पहले से हो चुकी थी, तो इसीलिए नियुक्ति जरूरी था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक बुलाई और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, साथ ही विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी थे और इस बैठक ने दो नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि 212 नाम छांटे गए थे, 212 अधिकारियों के नाम जो सर्च कमेटी थी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में, उसने 212 नामों को निकाला था और बाद में बैठक के दरमियान 6 नामों की लिस्ट रखी गई, तो 6 में से 2 नामों पर उस बैठक में मुहर लगा दी गई। हालांकि इस सरकार के इस निर्णय पर जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जो बैठक में शामिल थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, इतराज जताया, उन्होंने अपना डिसेंट नोट लगा दिया है। कहा है कि 10 मिनट पहले ही उन्हें 6 नाम बताए गए और वो तय नहीं कर पाए कि किसके नाम पर वो सहमति दे। साथ ही रात में ही उन्हें 212 नाम भेज दिए गए, जिसके बारे में वो सही ढंग से उनके पास जानकारी नहीं थी। वो जानकारी लेते तब तक बैठक आ गई। तो अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के दरमियान इस नियुक्ति का विरोध किया है, मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो। विकास, अगर हम सुखबीर सिंधु की बात करें तो भले ही उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी वो रहे, लेकिन वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। इसी के साथ ज्ञानेश कुमार आईएएस ऑफिसर हैं, दोनों अनुभवी हैं और हर तरह से इस पद को संभालने के लिए उनके पास वो सारे मेरिट, वो सारी काबिलियत है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार की जो चयन प्रक्रिया है वो काफी, आप देखें कि कानून मंत्री की ही अध्यक्षता में सर्च कमेटी थी। सर्च कमेटी का यही काम था कि अनुभवी और सक्षम अधिकारियों का चुनाव हो। जो चुनाव आयोग में अगर बैठे आयुक्त तो वो बनते हैं, तो कहीं कोई किसी तरह की परेशानी ना आए और सवालिया निशान खड़े न हो, और जिस तरीके से चुनाव आयोग अपने निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए ख्यात है, तो उसमें गड़बड़ी न हो, इसलिए अनुभवी अधिकारियों को चुना गया। हर बार इसी तरीके से कोलेजियम होता है और पैनल तैयार किए जाते हैं, पैनल में तमाम अधिकारियों के नाम होते हैं, लेकिन उसमें से लास्ट में 2 अधिकारियों का चयन हुआ। इसमें जैसा मैंने बताया कि 212 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी, बाद में उसमें से 6 नाम अलग छांटे गए और 6 नामों को बैठक के दरमियान रखा गया, उसमें से 2 नाम पर बैठक में मुहर लगाई गई। तो निश्चित तौर पर ये दोनों अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी हैं और इसीलिए शायद सरकार ने इनको नियुक्त किया है। और बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है विकास के, जो राजीव कुमार हैं वो अकेले नजर आ रहे थे जब दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने, एक रिटायर हो गए, एक ने इस्तीफा दे दिया, और अब हम देख रहे हैं कि उनके अलावा दोनों चुनाव आयुक्त अब पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, ये बड़ी जिम्मेदारी दोनों पर होगी, नई जिम्मेदारी है दोनों के लिए। देखिए, चुनाव की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही होती है, और देखिए लोकसभा का चुनाव होना है 2024, उसका नोटिफिकेशन होना है, या तो 15 तारीख के निकल हो जाए या 16 तारीख हो जाए, इससे ज्यादा विलंब अब नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही विलंब हो चुका है। और सरकार के ऊपर यह दबाव था कि एक अधिकारी रिटायर हो गए थे, दूसरे अधिकारी इन वक्त पर इस्तीफा दे दिए थे, और इस्तीफे के बाद से तमाम तरह के आरोप भी मोदी सरकार पर लगाए जाने लगे थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा, तो उसके बाद से इस पर नियुक्ति जो थी वो जरूरी थी। अगर नियुक्ति नहीं होती तो और भी विलंब होता चुनाव की घोषणा करने में और तिथि को जारी करने में, इसलिए सरकार के पास भी वक्त ज्यादा नहीं था और आज का ही वक्त तय किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इसको तय किया। आप बता रहे थे जैसा अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ही मिनट पहले मुझे नाम दिए गए थे, उस पर मंथन, हालांकि वो सहमत थे, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाता रहा है वक्त वक्त पर, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी दोनों चुनाव आयुक्तों के लिए। जी
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनौती होगी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर बार बार विपक्षी पार्टियों के द्वारा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और ईवीएम को लेकर के लगातार खड़े किए जाते हैं और ईवीएम के जरिए चुनाव आयोग को कटघरे में विपक्षी पार्टियां खड़े कर देती हैं। और आज की जो चुनाव प्रक्रिया पर ही अधीर रंजन चौधरी ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया, हालांकि वो तीन सदस्यों में एक सदस्य होते हैं जो इन दोनों